अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 अगस्त 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त 2024 आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे कि अब तक क्या स्थिति है, क्या इस साल एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। धीरे धीरे दोस्तों दिन निकलते जा रहे हैं और उम्मीद खत्म होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जितना ही ज़्यादा लेट होगा उतनी ही ज़्यादा उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज ये है ना, ठीक है, कि अब आज की डेट में कोई बच्चा बीएड नहीं करना चाहता। कुछ बच्चे करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं भैया चलो ठीक है सरकारी कॉलेज मिल गया एडमिशन ले लेते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका टारगेट क्लियर होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन परफेक्ट होगा, तो वो आगे चलकर टीजीटी में अपनी एक सीट कंफर्म कराएंगे, वो बच्चे भी बीएड करना चाहते हैं। लेकिन अब आते हैं वो बच्चे जिनका एम है 1-5 या 6-8 में शिक्षक बनने का, जिन भी बच्चों का सपना है वो बच्चे डीएलएड की तरफ ही रहने वाले, ठीक है। एक और बात आपको बता दें, आप लोग के सारे कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा, ठीक है भाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डीएलएड का, अदर स्टेट वालों के लिए ढंग से क्लियर तो करो। अब देखिए आपको बता दें, सबसे पहले जो भी बच्चे अदर स्टेट के रहेंगे, हो सकता है कि उन बच्चों को जनरल में रखा जाए, ठीक है। भले आप वहाँ पर अदर स्टेट में ओबीसी कैटेगरी हो, लेकिन यूपी में आएंगे तो हो सकता है कि आपको जनरल माना जाए। जनरल में पास होने के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा, अभी ये सिर्फ हम लोग बातें न्यूज़पेपर के माध्यम से देखे हैं, अभी तक इसका कोई भी रिटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए जब तक पीएनपी की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। सर मेरा 245 नंबर है, देख सकते हैं भैया आप जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, जी हाँ आपको बताया जाएगा। अगर फॉर्म 2020 से 25 अगस्त तक आ जाता है तो पूरी एडमिशन का प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर फॉर्म हमारा अगस्त के लास्ट वीक तक भी आता है, या मान लीजिए सितंबर के फर्स्ट वीक में भी आता है, तो ये प्रोसेस पूरा सितंबर में चलेगा। अक्टूबर में दोस्तों आप लोगों का मतलब स्टेट रैंक और काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, मान के चलिए फिर आपकी क्लासेस नवंबर में स्टार्ट हो पाएंगी, ठीक है। तो एक लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए इस बार हर जगह लेट हो रहा है, बीएड में भी तो अभी काउंसलिंग और उसकी, ठीक है, जो भी सूची है उसको जारी किया जा रहा है, तो कहाँ काम तेज हो रहा है, हर जगह तो लेट हो रहा है ना। तो अभी आप लोग धैर्य बनाए रखिए, 220 नंबर पर एडमिशन हो जाएगा एससी कैटेगरी का, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन सरकारी कॉलेज वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने मिनिमम 220 और 230 प्लस ये बता रखा है ना। इस साल डीएलएड में एडमिशन होगा कि नहीं, सर देखिए सभी बच्चों का एक ही सवाल है एडमिशन को लेकर। और देखिए कुछ बातें हम न्यूज़पेपर के हम आपके सामने रख दें कि क्या चल रहा है आखिर, ठीक है, देश में हमारे क्या हो रहा है, वो बातें जानना भी तो जरूरी है ना आप लोगों के लिए, कि बस एडमिशन का ही देखना है। और आप लोग के देखिए सारे कमेंट का आंसर भी हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, संघर्ष करने वाले पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों की हुई जीत, केशव जी कह रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, एक वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, जिस वैकेंसी में जनरल कैटेगरी के कुछ बच्चों को गलत तरीके से फायदा मिला होगा, तभी तो ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों के साथ नाइंसाफी होती है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा में मिलेगा 5 मिनट अतिरिक्त समय, परीक्षा केंद्र तिथि या शिफ्ट परिवर्तन करने से बोर्ड का इनकार हुआ है, पुलिस में 20% बेटियों की भर्ती होगी, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती, नई सूची तैयार करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक विचार। एक बात जरा ध्यान दीजिए इसको लेकर दोस्तों, मुख्यमंत्री आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आने वाले टाइम में आप लोग डीएलएड क्यों करना चाहते हैं, आप बीटीसी का कोर्स क्यों करना चाहते हैं, बताइए ना, ठीक है। आप डीएलएड इसीलिए तो करना चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में शिक्षक भर्ती में आपको मौका दिया जाए, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती में होता क्या वो भी तो जानना जरूरी है ना। आपको बता दें 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जरा ध्यान दीजिएगा क्या डेट बोल रहे हम, 5 दिसंबर 2018। आज कितनी तारीख को आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 18 अगस्त 2024। क्या आप लोग इतने लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं, सोचिएगा अपने मन में, क्योंकि ऐसा ही बच्चे वेट कर रहे हैं और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हो रही है। अभी डबल बेंच का फैसला आया है,
सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच मामला गया, अब सुप्रीम कोर्ट पर विचार हो रहा है। और ये एग्जाम 206 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया, जिसमें 4 लाख से ज्यादा बच्चे सम्मिलित हुए, लेकिन उस समय दोस्तों डीएलएड के साथ साथ बीएड के बच्चे भी सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, बीएड शिक्षकों के लिए बनेगा ब्रिज कोर्स, बीएड बच्चों के लिए नहीं, जो बीएड करके टीचर बन चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स की बात हो रही है, ध्यान देंगे। सर डीएलएड के बाद टीचर बनने के लिए क्या क्या करना होगा, एक्सप्लेन ऑल डिटेल्स, एक वीडियो अलग से बनाइए, डीएलएड से सुपर टेट कब सीटेट करना होगा। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एडमिशन अगर नवंबर तक भी हो जाता है, ठीक है, नवंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, मानते हैं सारा कुछ क्या हो रहा माना जा रहा है, ठीक है, लेट्स कंसीडर। ठीक है, तो उसके बाद जब भी सीटेट का फॉर्म आएगा, ठीक है, सीटेट का जब भी फॉर्म आएगा एडमिशन लेने के बाद, लेने के पहले नहीं, एडमिशन ले चुके हैं आप, जब भी सीटेट का फॉर्म आएगा आप उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपने आवेदन कर दिया सीटेट में और सीटेट का पेपर आएगा 150 नंबर का, पास होने के लिए 90 नंबर जनरल कैटेगरी में, आरक्षित वर्ग में 82। मान लीजिए आपने सीटेट को क्लियर कर लिया और उसी समय डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर भी आप क्लियर कर जाते हो, फिर डीएलएड में टोटल सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ भी क्लियर कर जाते हैं, चारों सेमेस्टर मान लेते हैं आपने डीएलएड में क्लियर कर लिया और सीटेट भी आपका पास हो गया। उसके बाद जब तक आपका डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने आपको बता रखा है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होना नहीं इम्पोर्टेंट है, फाइनल ईयर का रिजल्ट एटलीस्ट ऑनलाइन वाला आ जाए तब आप जाकर डीएलएड में आवेदन के पात्र होते हैं। वैसे दोस्त यहाँ पर भी नियम है, ठीक है, तो उसके बाद जब भी सुपर टेट का फॉर्म आएगा आप अप्लाई करेंगे। और दोस्तों जो ये सीटेट का आपने पेपर दिया इसमें सिर्फ पासिंग का, ठीक है, क्वालिफाई करना है, स्कोर नहीं करना, लेकिन स्कोर क्या करना है सुपर टेट के एग्जाम में, ये भी एग्जाम आपका 150 नंबर का होगा, जितने ही ज़्यादा नंबर लाएंगे नौकरी पाने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। थैंक यू सर बताने के लिए, बिल्कुल आपका वेलकम है सर, मेरा 241 नंबर है, बिल्कुल आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, अगला कमेंट देखते हैं, चलिए एक एक करके सभी बच्चों का आंसर किया जाए। सर मेरे 225.9 है डीएलएड के लिए, क्या हमें डैट मिल सकता है? जी हाँ, चांस बनेगा लेकिन उतना चांस नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ 240 नंबर वाले बच्चे वेट कर रहे हैं। सर मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, 221, बहुत ही मुश्किल रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। सर डीएलएड एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस टाइम का लगेगा? देखिए एक बात ध्यान रखिए, जितना जल्दी करें ना, मतलब 6 मंथ के अंदर करें तो बहुत ही बढ़िया रहता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मेरा बीए में 46% ओबीसी कैटेगरी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप जनरल से होते तो एलिजिबल ही ना होते, लेकिन ओबीसी से एलिजिबल है, मुझे एडमिशन मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। सर फॉर्म भरना जरूरी है प्राइवेट कॉलेज के लिए भी? बिल्कुल, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए चाहे सरकारी, बिना फॉर्म बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे, मतलब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कॉलेज वाले भैया जो 40,000 फीस है उसके लिए आपसे 3 लाख रुपये 4 लाख मांगेंगे, ठीक है। क्या सर आप डायरेक्ट एडमिशन करा दीजिएगा क्या? देखिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जब वो अप्लाई कर दीजिएगा उसके बाद आपकी मेरिट कम होगी तो फिर बताइएगा। का है, चलिए यहाँ पर हो गया 256 टोटल विद ईडब्ल्यूएस, चलिए भैया आप जो कॉलेज में आप रखेंगे वो कॉलेज आपका। सर मेरा 223% है ओबीसी, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा गवर्नमेंट, प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। क्या आप डीएलएड करने का कोई फ़ायदा नहीं है? क्या डीएलएड की मान्यता समाप्त हो गई है? देखिए बीएड वालों को भी दिक्कत है, डीएलएड वालों को भी दिक्कत, तो भाई बच्चे करेंगे क्या, सोचिए ना आप लोग। बीएड को 125 से बाहर कर दिया गया तो आपको मौका किसको मिलना, डीएलएड के छात्रों को, फिर क्यों ही टेंशन लेना ना। सर कुछ कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं डीएलएड में, तो क्या फॉर्म का वेट करें कि एडमिशन ले लें? देखिए वो एडमिशन ले जरूर रहे हैं लेकिन वो आपको पढ़ाएंगे नहीं, वो आपसे फीस ले ले रहे हैं ताकि आप किसी और कॉलेज की तरफ भ्रमित ना होइए, ठीक है, तो फिलहाल वेट कर लीजिए। सर यूपी डीएलएड 2024 का फॉर्म आएगा या अब नहीं आएगा? वेट करिए फिलहाल, और हम लोग बात इस वीडियो में सिर्फ उत्तर प्रदेश से डीएलएड की कर, ध्यान रखिएगा कोई बच्चा अगर अदर स्टेट का देख रहा हो तो बात यूपी डीएलएड की हो रही। पेपर फिर से होना चाहिए, देखिए ये बच्चे वो तो जो पेपर नकल होता है उसको दोबारा चाहते हैं। फॉर्म कब तक आएगा, कोई जानकारी है तो बताया करो। देखिए एक बात याद रखिएगा, डीएलएड अगर आपको करना है तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए, सब्र नहीं है तो
तो डीएलएड मत करिएगा, क्योंकि अभी हमने आपके सामने जानकारी रखी ना, ध्यान दिया आप लोग ने, 5 दिसंबर 2018 का नोटिफिकेशन आता है और बच्चे आज 18 अगस्त 2024 तक वेट कर रहे हैं। बच्चे एक बार फिर से लखनऊ जा रहे हैं धरना देने के लिए। क्या आपसे इतना वेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए डीएलएड, जो करना हो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब वैकेंसी आती है तो मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाता है तो धरने होते हैं, धरना होता है तो समय लगता है। ठीक है, कोई भी बच्चा जो डीएलएड कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो उन बच्चों को पता है। आपको बता दें डीएलएड 2023 बैच का अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, अभी 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, इतना लंबा वेट किया बच्चों ने। ठीक है, तो सब्र नहीं है तो मत करिएगा, नहीं तो बहुत कभी कभी देखिए, नाम तो यहाँ है कि 2 साल का कोर्स है, लगने के लिए 2.5 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है कोर्स को कंप्लीट होने। ठीक है ना सर, क्या सभी कॉलेज का पेपर होगा? नहीं, जिन बच्चों के यहाँ पेपर लीक हुआ था या सामूहिक नकल हुई थी उन बच्चों का होगा। सर मेरी उम्र 28 साल है और मेरी परसेंटेज 119 में तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा पहली बार। ठीक है, 11 नहीं होगा, हो सकता है 219 हो। सर सेमेस्टर वगैरह मेरिट कैसे बनेंगे प्लीज रिप्लाई में। देखिए जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना, ग्रेजुएशन का जो भी फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपके टोटल नंबर लिखे रहते हैं, कितने में से कितना नंबर आपने पाया है, वही से आप अपनी परसेंटेज निकाल लीजिए। सर अगर फॉर्म आया तभी वीडियो बनाइए। चलिए ठीक है सर, डीएलएड करने के बाद टीचर कैसे बनते हैं? सर 235 नंबर है, डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा, आराम से आपको मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इस बार डीएलएड का फॉर्म आएगा कि नहीं क्लियर बताइए, वेट कर लीजिए, अगस्त का महीना बीतने वाला, थोड़ा दिन और सही, जब इतने महीने बीत गए। सर वाराणसी डायरेट के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? मान के चलिए 230+। और इम्पोर्टेंट यह है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाएगी। सर डीएलएड करना क्या अच्छा होगा? बिल्कुल, अगर आप 1-5-6 ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपका एम कुछ और है, कुछ और टारगेट लेके चल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। दिल्ली वही सूचना ना बताया करिए, डेली वही सूचना ना बताया करिए। ठीक है, सही जानकारी डीएलएड का बताइए, क्लियर बताएं, पीएनपीसी न्यूज लेके कब तक फॉर्म आएगा? देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हमने एक बात आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि जो फॉर्म आएगा उसमें अंतिम फैसला आपके गवर्नमेंट का होता है, पीएनपी के पास इतनी पावर नहीं है। नहीं तो पीएनपी क्यों ना चाहती, प्राइवेट कॉलेज वाले क्या वहां ना पहुंच जाते हैं कि भैया जल्दी एडमिशन लो, हमारा नुकसान हो रहा है, 75 हाई स्कूल में, 78 इंटरमीडिएट में, 78 ग्रेजुएशन में। चलिए ट्राई करिएगा, मिल भी सकता है। सर मेरा बीए में 46 है ओबीसी, चलिए आपको मौका मिल जाएगा एडमिशन का। ठीक है, तो और भी जो बातें आएंगी डीएलएड एडमिशन की वो बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सब्र करना सीख लीजिए, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं उनके अंदर जब इतना अच्छा सब्र हो सकता है तो आपके अंदर क्यों नहीं है। बाकी आप लोग कंपटीशन की तैयारी करिए ना। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, किसी एक के भरोसे नहीं रहना है। मोबाइल में भी एक बैकअप का ऑप्शन आता है ना, कि अगर वो नहीं हुआ तो भैया बैकअप कर लेंगे, मोबाइल खराब हुआ तो एक चीज, कुछ बच्चे डर रहे साल खराब हो जाएगा। तो आपको एक अल्टरनेट कोर्स अपने मन में रखिए कि अगर इस साल डीएलएड नहीं होगा तो हमें करना क्या है, समय थोड़ी नहीं बर्बाद करना है। सही बात है, एक साल बर्बाद करना ये बेवकूफ़ी होगी। आप कुछ ना कुछ अपने दिमाग में लेकर चलिए कि अगर ये नहीं होगा तो हमें ये करना है, लेकिन कुछ ना कुछ करना है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आप ऐसे डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने की जो सोच रहे हैं ना, कॉलेज वाले करें भैया पैसा दो एडमिशन लेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, जब तक पीएनपी का नोटिफिकेशन नहीं आता, आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार संभव शायद ना हो, वैसे इतना लेट है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 35, फॉर्म भरने की फीस 700 रुपये, 500 रुपये, 200 कुछ ऐसा हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50%, 45%, सरकारी कॉलेज की फीस 10,200, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000। कुछ बातें जल्दी जल्दी हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। डीएलएड बीएड के बारे में बता दिए, 1-5, 6-8 यहाँ पर है, 6-8, 9-10 यहाँ पर है। कट ऑफ हमने बता रखी है जनरल में 230 से प्लस, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में 225 प्लस, एससी में 220 प्लस, एसटी ये सब में 200 प्लस। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में दोस्तों, फिलहाल आज योगी जी की एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है, उसकी बात हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, अगर आप लोग हमारे साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी ठीक है, हर एक अपडेट, हर एक न्यूज, आपके हर एक कमेंट का आंसर आपको हम करते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।